औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले मेरी माओ बहनों सबको मेरे तरफ से दिली तौर पे जो है मेरा सलाम कबूल करें, वो इसलिए कि मेरी बहनों ने इस बारिश में आके मेरा हौसला अफजाई की। मैं जितना भी शुक्रिया अदा करूँ कम है अपनी बहनों के लिए। बहनों के लिए भरपूर तालियां हो जाएं सब बहनों के लिए। और हमारे नौजवान साथी बुजुर्ग पाकिस्तानी बंगाली एक्शन कमेटी के जिम्मेदारान जितने लोग यहाँ आए हैं मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। ये हमने कल रात को ही सिर्फ कॉल दी, पूरे शहर का रास्ता बंद होने के बावजूद भी हज़ारों लोगों का मजमा इस बात का सबूत है, इस बात का सबूत है कि हलीम आदिल शेख तुमने उस कौम को ललकारा, तुमने उस कौम को ललकारा जिसने इस मुल्क के लिए 1947 से लेके आज तक हमारी चार नस्लें पाकिस्तान में परवान चढ़ी है। मैं बड़ी बात नहीं करता, तुम तो तुम्हारा ताल्लुक तेरे के इंसाफ से है, जो तेरे के इंसाफ के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये फैसला आ चुका है कि तुम फॉरेन फंडिंग जो है बाहर से यहूदियों से तुम लोग फंड लेते रहे। तुम लोगों को एक एक और तुम्हारा और तुम्हारे आका का एक एक बंदे को हिसाब देना पड़ेगा। जो तुम लोगों ने जो साजिशें की है पाकिस्तान के खिलाफ हम आज भी अफवाज पाकिस्तान के साथ हमेशा की तरह 1947 1971 1965 भी, और हमने पाकिस्तान को हमेशा अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े होके शाना बशाना अलशम्स अलबदर तंजीमें बना के 1971 में हमने जंगें लड़ी है, 1965 में हमने इंडिया को शिकस्त दी। एमएम आलम इस बात का सबूत है। तो आप किस मुंह से पाकिस्तान में बसने वाले लाखों लोगों को, 50 लाख से ज्यादा हमारी माएँ बहनें बुजुर्ग सब बच्चों को कैसे तुमने गैर मुल्की तारीख ने वतन कहा? इंशाअल्लाह ताला ये सिलसिला अब रुकेगा नहीं। तुम मीडिया में आके सबके सामने माफी मांगोगे, गद्दारे पाकिस्तान हलीम आदिल शेख आके माफी मांगे, वरना तू कराची में तेरा बाप भी नहीं रह सकता। ये मैं तुमसे ये मेरा वादा रहा। मैं कराची में बसने वाले, सिंध में बसने वाले 40 लाख आवाम से मुखातिब हूं, जहां भी हलीम आदिल शेख को नजर आए वहां जूतों से चप्पलों से अंडों से उसकी बारिश करना। आज ये मेरा पैगाम है पूरे कराची से लेके पूरे सिंध के आखिरी बॉर्डर तक, सिंध के आखिरी बॉर्डर तक ये जहां नजर आए। कराची में हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 125 इलाके हैं। बात सिर्फ इतनी है तूने उस कौम को ललकारा जिसने कभी इस पाकिस्तान के लिए गर्दन कभी नीचे नहीं की। हमेशा गर्दन कटवाई है इन लोगों ने, आज भी हम गर्दन कटवाने के लिए तैयार है। तू फौरन, तेरे पास 24 घंटे हैं, वरना ये एहतजाज पूरा पाकिस्तान में होगा, वरना पूरे पाकिस्तान में ये एहतजाज शुरू होगा इंशाअल्लाह ताला। हमने कल से ये सिलसिला शुरू किया है और फॉरेन फंडिंग के खिलाफ जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसला दिया है, हलीम आदिल शेख तू और तेरा आका इंशाअल्लाह ताला सारे फांसी चढ़ेंगे। इंशाअल्लाह दुनिया देखेगी, पाकिस्तान भी देखेगा और जो है पूरा दुनिया भी देखेगा। तुम लोगों ने यहूदियों से फंड लेके, इंडिया से फंड लेके, अमेरिका से फंड लेके, इसराइल से फंड लेके तुम लोगों ने पाकिस्तान के टुकड़े करने की कोशिश की। जब तक एक बंगाली भी जिंदा है पाकिस्तान पे आज इंशाअल्लाह ताला नहीं आने देंगे। ये वादा करें मेरी माँ और बहनों, हाथ उठा के मेरे साथ वादा करो, वादा करो, वादा करो।
और मैं देखें बारिश का भी मौसम है, मेरी माएँ बहनें काफ़ी देर से यहाँ खड़ी हुई हैं, हमारे बुज़ुर्ग नौजवान भी खड़े हैं काफ़ी देर से, तो जो है मैं प्रोग्राम का इख्तिताम भी करता हूँ, साथ साथ अपनी बहनों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और इसी तरह अपने बुज़ुर्ग नौजवान बंगाली एक्शन कमेटी की तमाम साथियों को जो है ना मैं दिल से मुबारकबाद देता हूँ। एक शॉर्ट टाइम पर जो है ना आप लोगों ने बहुत बेहतरीन प्रोग्राम किया। अस्सलाम वालेकुम, पाक अफवाज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।